प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है डिजिटल लर्निंग में। हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। कंप्यूटर आइकन क्या है, रिसाइकल बिन क्या है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमाइजिंग द डेस्कटॉप। कस्टमाइज का मतलब होता है अनुकूल बनाना, ठीक है। हाउ, व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमाइजिंग द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को अनुकूलित करने से आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है। कस्टमाइजिंग द डेस्कटॉप मीन्स चेंज द अपीयरेंस ऑफ डेस्कटॉप। कस्टमाइज का मतलब है कि डेस्कटॉप की अपीयरेंस को, जैसे वो अपीयर हो रहा है, मतलब जैसा वो दिखाई दे रहा है, उसको चेंज करना, उसको बदलना बाय चेंजिंग इट्स बैकग्राउंड। उसकी बैकग्राउंड को, उसके पृष्ठभाग को बदल के, उसके ऊपर जो अक्षर आ रहे हैं उन अक्षरों को बदल के, या जो कलर्स आ रहे हैं उनको बदल के उसकी सेटिंग से, ठीक है। और भी बहुत सारे काम होते हैं इसके अंदर। अब देखो डेस्क, इसका कुल मिला के इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हम डेस्कटॉप को अपने अनुकूल, अपने हिसाब से कैसे उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसके जो बैकग्राउंड आ रही है उसको कैसे बदल सकते हैं, उसके ऊपर जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं उनको कैसे बदल सकते हैं, उनके जो विंडोज आ रहे हैं उनकी कलरिंग वगैरह चेंज करनी है, उनके एक्सेंट चेंज करना है, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये है देखो डेस्कटॉप, डेस्कटॉप की जो बैकग्राउंड आ रही है, इसका जो पृष्ठभाग आ रहा है, ठीक है, बैक साइड जो आ रही है वो, अब देखो ये है, इसको कैसे बदलेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे पर्सनलाइज के अंदर, ठीक है। पर्सनलाइज के ऊपर क्लिक करते ही डेस्कटॉप से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है इसकी, वो सारी ओपन हो जाएगी। ये देखो, यहाँ पे देखो बैकग्राउंड है, इसका कलर है, लॉक स्क्रीन है, थीम है, फॉन्ट्स हैं, स्टार्ट है, टास्क बार ये भी है, ये जो नीचे आ रही है इसके से रिलेटेड सेटिंग भी यहाँ पे ही है इसके अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले मैं तो आपको दिखाता हूँ कि बैकग्राउंड कैसे बदलना, ठीक है। अभी जो बैकग्राउंड आ रही है वो ये वाली है, ठीक है, इस तरह से आ रही है। अब यहाँ से हम चूज योर पिक्चर, यहाँ से हम बैकग्राउंड को बदल सकते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब जो चेंज होगी, देखो ये दिखा रहा है कि ये वाली बैकग्राउंड जो है वो हमारी चेंज होगी। यहाँ पे साथ साथ में हमें प्रीव्यू भी दिखाएगा, चेंजेस भी दिखाएगा हमें साथ साथ में, कि जो यहाँ पे बदल रहा है सेम वही देखो बैकग्राउंड में भी चेंज हो गया। ये देखो ये पिक्चर चेंज हो गई, ये बैकग्राउंड, ठीक है। जो हमें चाहिए अपने हिसाब से वैसे इसको हम इसको कस्टमाइज कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखो ये मैंने सेलेक्ट की तो ये वाली जो है बैकग्राउंड इसमें आ चुकी है, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर और भी है तो हम उनको ब्राउज कर सकते हैं, ठीक है। ब्राउज के ऊपर मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे पिक्चर्स हैं, म्यूजिक वगैरह, हमने पिक्चर डालनी है तो यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे और भी पिक्चर्स हैं मेरे पास, तो जो मैं सिलेक्ट करूँगा वो आ जाएगी। तो ये हमने सेलेक्ट की, चूज पिक्चर, तो यही पिक्चर जो है वो इसकी बैकग्राउंड बन जाएगी। ये देखो बैकग्राउंड में ये आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हम कंप्यूटर का, डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड है उसको बदल सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो चीजें मैं अप्लाई करूंगा वो यहाँ पे साथ साथ में यहाँ पे भी दिखाऊंगा और वहां पे भी दिखाऊंगा, तो जहाँ पे रियल में वो चीजें चेंज हो रही है, ठीक है। अब चलते हैं कलर्स के ऊपर, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कलरिंग की। अब कलर में देख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इसको चेंज करूंगा तो ये वाली चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, वही असल में वहां पे भी होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये डार्क रखा हुआ है, अब यहाँ पे देखना जैसे मैं इसको लाइट करता हूँ तो क्या इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ये देखो ये जो स्टार्ट मेन्यू है, कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टार्ट मेन्यू है इसका जो थे, ये देखो ये सारा का सारा चेंज हो गया, डार्क से सारा का सारा लाइट में कन्वर्ट हो गया। और नीचे जो टास्क बार थी, ये टास्क बार, ये देखो ये टास्क बार है, देखो टास्क बार भी डार्क थी, ये भी लाइट हो गई, ठीक है। अब इसको फिर से मैं कर देता हूँ डार्क, ये देखो टास्क बार भी नीचे डार्क हो रही है और ये सारा का सारा स्टार्ट मेन्यू भी डार्क हो रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो टास्क बार सारी की सारी डार्क हो गई, ब्लैक कलर की हो गई, और स्टार्ट मेन्यू जो है वो भी डार्क हो गया सारा का सारा, ठीक है। जो सेटिंग चाहिए मतलब वो हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एक चूज योर एक्सेंट कलर। एक्सेंट की बात कर रहे हैं, ये जो आ रहे हैं ना, देखो इनको बोलते हैं हम एक्सेंट, ठीक है। वैसे तो एक्सेंट का मीनिंग कुछ और ले लेते हैं, लेकिन एक्सेंट का मतलब हम यहाँ पे
इनकी जो पार्श्व भाग होता है, इनका जो बैकग्राउंड का थोड़ा बहुत जो ये जो बीच में जो आ रहा है इनका एरिया, ठीक है, इसको हम यहाँ पे एक्सेंट लेते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। जो इसका हमें बेसिक सी जो अपीयरेंस होती है इनकी आइकन्स की, वो चेंज हो जाती है थोड़ा स्टार्ट में, उसके अंदर ये हो गया, ये टास्क बार के ऊपर हो गया, ठीक है। चलो जो अब यहाँ पे देखो, अभी तो यहाँ पे आ रहा है ब्लू कलर में ही आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे में जाके यहाँ पे एक्सेंट को चेंज करता हूँ, उसको ले लेता हूँ ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो है इसको देखते हैं अब ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। ये देखो ये सारा चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो सारा का सारा जो है ये पूरा बैंगनी कलर में बदल गया है, ठीक है। तो एक्सेंट का कलर चेंज करते ये देखो फॉन्ट की जो कलरिंग है वो भी बदल रही है, ठीक है। तो ये है कलर्स। इसके बाद आता है लॉक स्क्रीन। जैसे फोन की स्क्रीन होती है ना लॉक, सेम वैसे यहाँ पे लॉक स्क्रीन का है। लॉक स्क्रीन में हम इसको रख भी सकते हैं, ऑन भी रख सकते हैं, इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। लॉक स्क्रीन में फिलहाल तो ये आ रहा है, देखो ये वाली स्क्रीन आएगी और इस तरह से टाइम आएगा, ठीक है। अगर इसको हमने बदलना है तो यहाँ से बदल सकते हैं, जैसे पहले भी चेंज कर रहे थे, ठीक है। तो ये ऐसे आएगा और ये टाइमिंग ऐसे आएगी फिर, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने कुछ और इसके लिए रखना है तो वो भी रख सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हमने कैलेंडर भी रखना है तो कैलेंडर कर लेते हैं, ठीक है। तो लॉक स्क्रीन के ऊपर ये भी साथ में डिस्प्ले होगा कैलेंडर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ये प्रीव्यू को नहीं दे रहा है, स्क्रीन लॉक होती है तो वहाँ पे इस चीज़ को ये दिखाएगा, ठीक है। अब जैसे ये है प्लस, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट नन है, कैलेंडर यहाँ पे आ गया है, लॉक स्क्रीन सेटिंग है, स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग, स्क्रीन सेवर सेटिंग है। तो प्रैक्टिकली जैसे ये है मैसेजेस बैनर वगैरह रखना है आइकन, तो ये भी ठीक है, ये ओके कर दिया। अब ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, जैसे हम स्क्रीन को लॉक करेंगे, लॉक होने के बाद ही सारे इफेक्ट हमें नज़र आते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, जैसे हम मोबाइल फ़ोन में रखते हैं इस तरह की सारी चीज़ें, सेम ये वैसे ही कंप्यूटर के भी ऊपर अप्लाई होती हैं, ठीक है। फिर से वापस चलते हैं हम सेटिंग के ऊपर, प्रोसेसिंग में टाइम लगा रहा है, ठीक है। ये है लॉक स्क्रीन वाली सेटिंग, जिसको भी हम अपने हिसाब से कस्टमाइज करके रख सकते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास थीम्स, जैसे मोबाइल फोन में होते हैं सेम वैसे इसके अंदर सारी की सारी थीम्स हैं, ठीक है। जैसे मैं थीम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाली थीम आ गई, अभी जो चल रही है थीम ये यहाँ पे हमें डायरेक्ट दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके अलावा विंडो में ये थीम है, विंडो लाइट थीम है, विंडो 10 थीम है, और बहुत सारी थीम्स जो है हम ऑनलाइन भी ले सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से, ठीक है। जैसे प्ले स्टोर होते हैं वैसे यहाँ पे, जैसे मान लो ये वाला चाहिए हमें थीम, तो जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो सेम ये थीम यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये देखो सारा थीम बदल गया इसका, ठीक है। फिलहाल ये चल रही थी तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये थीम जो है वो यहाँ पे चेंज हो रही है, ठीक है। तो आज के लिए बैकग्राउंड हो गया, कलर हो गया, लॉक स्क्रीन वाला मैं एक और प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन लॉक कहाँ पे कैसे दिखाई देगी, ठीक है। एक थीम्स वाला हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद बचता है फॉन्ट, स्टार्ट और टास्क बार, ये हम कर लेंगे बाद में, ठीक है। अब डेस्कटॉप के ऊपर इन सारी चीज़ों को हम कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी था, ठीक है। कल मिलते हैं फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।